अंदर से टूटा है यार भाई, आपको कैसा लगा यहाँ? छोटे छोटे से टुकड़े हो गए भाई। बहुत चाहती यहाँ आने की, लेकिन यहाँ पे आके इतनी बोरियत महसूस हो रही है। सुना था बर्फबारी होगी, लेकिन यहाँ पर तो बर्फ ही नहीं है। अब तो आगे बारी तो दूर की बात है। नहीं आप फोर्ट मंडरू तो हम पहुंचे हैं, लेकिन आपको खुदा का वास्ता फोर्ट मंडरू ना आना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बिल हमने जो गलती की है ना, हम आपको बता रहे हैं कि आप वो गलती ना करना। आज अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, मैं हूँ मलिक शहबाज। आज हम आपको बताएंगे कि फोर्ट मंडरू अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। ऐसे यार नहीं होने चाहिए, ठीक है? जो रात को घर से ना 12 बजे लेके निकल पड़े, रास्ते में इतनी धुंध हो शदीद, फिर बंदा 100 किलोमीटर सफ़र भी नहीं करता और किसी पंप पे रुक के सोना पड़ जाता ताकि सुबह हो फिर हम जाएँ। अब माशाल्लाह जी सुबह हो गई, अब हम निकल चुके हैं फोर्ट मंडरू के लिए। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि वहाँ का मौसम कैसा है, इंजॉयमेंट करनी चाहिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो साथ किसी को लेकर जाएं, मतलब के वो डेट वगैरह के लिए जाना चाहिए, जगह सेफ है या नहीं है ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। ज़्यादा कुछ कहना चाहेंगे आप? ओके सब नहीं, ओके सब क्या मतलब? नहीं तो सब भाई भाई, इसके बेचारे के घर वाले नहीं आ रहे थे, वो कहते थे जी वहाँ का मौसम ठीक नहीं है, आप लोग ना जो कहते हो ठीक थे, लेकिन हम लोग आपको दिखाएंगे, हम दिखाएंगे मौसम बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ओके मौसम है। और ये हमारे भाई हैं, कौन से? ये हमारे फौजी भाई, तारफ करवाओ ना भाई। ये हमारे फौजी भाई हैं, मुश्ताक भाई, बहुत लवली भाई हैं हमारे, जो के रास्ता इनको रास नहीं आता बेचारे की तबीयत खराब हो जाती है कि यार कोई बात नहीं, अक्सर हो जाता है ऐसा ना। कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कांड होते रहते हैं, या तो फिर भी छोटा सा है ना, टेंशन नहीं लेनी। चलें गाइस, चल माहौल, चले गाइस, हम मिलते हैं फिर फोर्ट मंडरू पे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक ऑल फ्रेंड्स, देखो जी हम पहुंचे हैं फोर्ट मंडरू के सिर्फ 9 किलोमीटर पहले, और यहाँ के रास्ते इतने ख़तरनाक और डेंजरस हैं, यहाँ पे इंसान वही ड्राइविंग कर सकता है जो एक्सपीरियंस वाला हो। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने ख़तरनाक और डेंजरस पहाड़ हैं। यहाँ का बस माहौल ना कुछ ज़्यादा ही गर्म है, बस जो भी हमारे दोस्त हैं ना उन्हें सबसे पहले रास्ते में दरबार आती है हज़रत सखी सरवर साहब के ना, वहाँ पे हमने हाजिरी दी है, वहाँ पे अपना सलाम किया है, ठीक है, फिर ही आगे आए हैं ताकि कुछ अपनों के दुआएं भी साथ होनी चाहिए। बाकी यहाँ का रास्ता ना, यहाँ का रोड इतने टूटे हुए हैं, सिंगल रोड है, डबल क्रॉसिंग में ना बहुत मसले मसाइल आते हैं। आगे का फिर हमारे दोस्त ज़िया भाई है, वो आपको बताएंगे। जी ज़िया भाई, फोर्ट मंडरू आओ ना तो ये फोर्ट मंडरू से 5 किलोमीटर पहले ना ये इसका पुल आता है, ठीक है, आप ये जगह देख लें। यहाँ पे आके अगर आप अपनी वीडियोस पिक्स बनाते हैं ना तो यहाँ का व्यूज़ बहुत ही लेवल का आता है, और पिक की अपनी एक रेस होती है, अपनी एक वीडियोस होती है। ये पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जहाँ मैं ठहरा हूँ यहाँ पे ठहर के आपने अपनी पिक्स बनानी है। आपकी पिक्स इतनी प्यारी है कि ना, आपने कहा था कि किसी ने बताया था इसके बारे में ना, और ये
व्यू आप चेक करें इस जगह का, माशाल्लाह से व्यू आप चेक करें। यहाँ आना तो यहाँ पे आपने तस्वीरें अपनी वीडियोस लाजमी बनानी है। बस भाईजान यहाँ से हाथ लगा के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से वापसी चले जाना, ऊपर कुछ भी नहीं है। यार फोर्ट मंडरू तो हम पहुँचे हैं, लेकिन आपको खुदा का वास्ता फोर्ट मंडरू ना आना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वराना खाली सा है। बस हमने जो गलती की है ना, हम आपको बता रहे हैं कि आप वो गलती ना करना। आज डेट डेट क्या अपना January 9, 2023 है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वरान सन्नाटा। ये देखो, इसको बुलाते हैं फोर्ट मंडरू। ये देखो, कोई कुछ भी नहीं है। वो हमारी गाड़ी ठहरी हुई है, पीछे हमारे साथ जो दोस्त थे वो थे। तो बस खुदा की कसम, आप फोर्ट मंडरू ना आना, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। हमने सोचा था कि यहाँ जनवरी में ना स्नोफॉल होती है, तो वहाँ हम जाके देखेंगे, इन्जॉयमेंट करेंगे। अबे अगर आप में से कोई भी फोर्ट मंडरू है तो प्लीज़ मुझे सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ इतना बता दो, फोर्ट मंडरू में ऐसी कौन सी चीज़ें जो देखने वाली है भाई। यहाँ पे देखो, कहते हैं जी वो पार्क है, लेकिन पार्क बंद है, यहाँ पे कुछ है नहीं। ये फोर्ट मंडरू का कलमा चौक देख सकते हैं, वो हमारी गाड़ी ठहरी है, वो हमारे दोस्त ठहरे हैं। लेकिन बस हमने जो गलती की है ना भाइयों, आपने मरते मर जाना, लेकिन आपने फोर्ट मंडरू नहीं आना। अगर आप फोर्ट मंडरू आ जाओगे तो अपने नुकसान खुद करोगे भैया, हम आपको बता रहे हैं। यार ये देखो ना, बिल्कुल वरान सा सन्नाटा, फोर्ट मंडरू का कोई नामो निशान नहीं है। वो हमारी गाड़ी ठहरी हुई है, वो हमारे साथ दोस्त आए थे, ठीक है। वो यहाँ फोर्ट मंडरू का ना कलमा चौक है, बस यहाँ पे ना आप लोगों ने नहीं, यार फोर्ट मंडरू में कुछ है नहीं देखने के लिए, कुछ नहीं है। हमें लोगों ने कहा था जी जनवरी में वहाँ पे स्नोफॉल होती है, आप एक मरतबा जाओ तो सही। हम आ गए हैं, ये ऊपर कहते हैं जी पार्क है, वो भी बंद है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ऐसे सन्नाटा सन्नाटा सा। देख लो यार, आज 7 जनवरी 2023 है और यहाँ के हालात आप देख लो कि यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, आपकी मेहरबानी, आप लोग भी आना आना। ये फोर्ट मंडरू का पार्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना बंदे है ना बंदे की जात है। बस हम दोस्त बस जख मारने आ गए हैं, आप मेरी बात मानो, यहाँ ना आना। और भाई जान यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा हकीकत में 50,000 रुपये का खर्चा वेस्ट हो गया। बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, हमारा नुकसान हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आपको भी पता होना चाहिए कि कितना नुकसान आपका भी हो सकता है ना। बस आज जोहेब भाई कैसा लगा यहाँ फोर्ट मंडरू पे आके? बहुत ही इधर इधर लग रहा है भाई, कैसा लगा? लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिल अंदर से टूटा है। यहाँ पे आपको कैसा लगा यहाँ? छोटे से टुकड़े हो गए भाई, बहुत चाहती यहाँ आने की, लेकिन यहाँ पे आके इतनी बोरियत महसूस। सुना था बर्फबारी होगी, लेकिन यहाँ पर तो बर्फ ही नहीं है। अब तो आगे बारी तो दूर की बात है। नहीं, आपके घर वाले तो समझा भी रहे थे, ना जाओ ना जाओ ना जाओ, लेकिन उसका उल्टा हो गया, लगता है उनकी दुआओं का असर है भाई वहाँ पर ना, फैमिली की दुआओं का असर है कि वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं होगा, तो नहीं है अच्छा। लेकिन नहीं, आप अब क्या कहना चाहोगे कि दूसरे लोग यहाँ आए या ना आए? बिल्कुल भी ना आए भाई, टाइम वेस्ट है। अगर पहाड़ नहीं देखे कभी जिंदगी में तो पहाड़ देखने आए। हाँ, सिर्फ बस पहाड़, वो भी नीचे से खड़े होके देख लेना। हाँ, बस नीचे से खड़े, बल्कि पहाड़ नीचे से खड़े होगा आप इसमें।